चकिया कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में चंद्रप्रभा नदी में मछली पकड़ रहे एक मछुआरे के कांटे में 10 फीट लंबा मगरमच्छ फंस गया, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। जाल में मगरमच्छ फंसे होने की सूचना जंगल में आग की तरह गांव में फैल गई। मगरमच्छ को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नदी के किनारे इकट्ठे हो गए। आनंद फानन में ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग के चकिया रेंज और पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन वन विभाग की टीम काफी देर तक नहीं पहुंची। वहीं अंधेरा होता देख ग्रामीणों ने खुद ही मगरमच्छ को पकड़ने का अभियान शुरू किया। दर्जनों की संख्या में ग्रामीण नदी में उतरे और जाल में फंसे मगरमच्छ को कड़ी मशक्कत के बाद बांस और डंडों के सहारे काबू कर लिया। ग्रामीणों द्वारा मगरमच्छ को पकड़ने के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। इस दौरान वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पुलिस के बीच बचाव के बाद ग्रामीण शांत हुए और वन विभाग की टीम मगरमच्छ को लेकर चकिया रेंज ऑफिस के लिए रवाना हो गई। रेंजर की माने तो पकड़ा गया मगरमच्छ 8 फुट से बड़ा है और इसको चंद्रप्रभा सेंचुरी में छोड़ दिया जाएगा। मगरमच्छ सिकंदरपुर नदी में मछुआरे मछली मार रहे थे, उनके जाल में फंसा। उन्होंने सूचना दिया कि यहाँ मगरमच्छ जो है जाल में फंसा हुआ है। स्टाफ भेज करके हमने उसको पकड़वाना चाहा, पकड़वाया भी, लेकिन ले आने में गांव वाले व्यवधान पैदा कर रहे थे। पुलिस के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से उसको सही सलामत अपने कब्जे में लिया गया और सुबह इसको चंद्रप्रभा सेंचुरी में छोड़ा जाएगा। आपको बताने की बरसात आते ही चंद्रप्रभा नदी में मगरमच्छों का आगमन हो जाता है और पहाड़ी नदी चंद्रप्रभा बारिश के पानी के कारण उफान पर आ जाती है, जिससे मगरमच्छ नदी में बहकर मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।